बॉर्डर के निर्देश दिए गए थे, उसमें खासकर नेपाल के सीमावर्ती जनपदों में पुलिस मेडिकल टीम को सहयोग करेगी और जितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं नेपाल से, उन चौकियों पर सशस्त्र सीमा बल के साथ मिलकर सहयोग करेगी। इसके बाद 5 मार्च को एक और मेरे हस्ताक्षर से निर्देश गए थे, परंतु जब कई जनपदों में कुछ मामले सामने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, वीसी किया है और शासन ने भी कई निर्देश जारी किए हैं, जिलाधिकारी महोदय हर जनपदों में अपने निर्देश दे रहे हैं, उसमें पुलिस का मुख्य दायित्व यह है कि पुलिस के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मुख्य बात मैं बता दे रहा हूँ, वो हर जनपद में कम से कम एक और आवश्यकता अनुसार अधिक बनाने की बात कही, निर्देश दिए गए हैं और टीम को पुलिस अधीक्षक अपने जिलाधिकारी से और सीएमओ से संपर्क करके आवश्यक इक्विपमेंट्स देंगे, जरूरत पड़ी तो हैजमैट सूट्स कहते हैं, हजार्डस मटेरियल सूट्स, वो कपड़े पहनकर, जनपद गौतम बुद्ध नगर ने वो सूट्स क्रय कर लिए हैं, कुछ जनपदों में क्रय की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें यह है कि वो पहनने के बाद किसी भी तरह की इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज से आपका बचाव होता है, तो सूट्स का क्रय कर लें, सैनिटाइजर का क्रय कर लें, मास्क, ग्लव्स, ये सब उस टीम को दें और उस टीम के लिए विशेष प्रशिक्षण दें कि वो क्या कार्य करेंगे, और वो आवश्यकता प्रारंभिक स्टेज पर नहीं आती है पुलिस के लिए, परंतु यदि ज़रूरत हुई कि किसी व्यक्ति को डिटेन करना है या आइसोलेशन वार्ड में उसे रखना है, इन्फोर्स करना है, तो पुलिस की ड्यूटी बाहर रहती है, डॉक्टर और उनके सहायक लोग उसका इलाज करते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर उनको जब बुलाया जाएगा तो किस प्रकार से टच करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, कितनी दूरी बनाए रखेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे, ये सब बातें इसमें है। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के पड़ोस में एक शहर में ये बात आई कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई जगह लोगों में थोड़ी सी ये भावना हुई कि मैं नहीं जाऊंगा, उसके अंतिम क्रियाक्रम में लोग उतने नहीं तैयार हो रहे थे, वैसी स्थिति आने पर भी लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और पुलिस फिर आवश्यकता अनुसार अपने कपड़े पहनकर पूरे प्रिकॉशन लेकर मदद करे उनके अंतिम क्रिया में। हालांकि ऐसी घटना अभी तो दो ही हुई है।